जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ऐसे 100 गोल्डन क्वेश्चन मैं आपको साथियों दे रहा हूं, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते, इनको तैयार कर लेते हैं, तो मैं कहूंगा साथियों कुछ नहीं तो तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन साथियों आपको डायरेक्ट यहां से देखने को मिलेंगे। तो साथियों, शर्त यही है कि बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि अगर आप इन सभी सवालों को बस ध्यान से देख लेते हैं तो आपके मनोमस्तिष्क में ये स्टोर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो बस आप ध्यान लगाकर इनको देखते जाइए, कैसे इनको स्टोर करना है आपके मनोमस्तिष्क में, इस बात की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि रेणुका झील किस राज्य में है। तो मैं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में यह झील है। यह झील कहां पर है साथियों? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि प्लेइंग इट माई वे, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है मुझे बताइए। तो ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है साथियों? सचिन तेंदुलकर की ये आत्मकथा है। आंसर अगर आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, कह रहे हैं कि क्यूबा की मुद्रा कौन सी, यानी कि क्यूबा जो देश है इसकी मुद्रा क्या है, इसमें यहां पर क्या चलता है? तो पैसो चलता है। क्या चलता है? पैसो चलता है। उसके बाद देखिए मारियाना ट्रेंच की अगर बात करते हैं, तो मारियाना ट्रेंच साथियों किस महासागर में है? तो ये सबसे बड़े महासागर यानी कि प्रशांत महासागर में ही मारियाना ट्रेंच है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है साथियों। सभी के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया है जो इंपॉर्टेंट ना हो। सभी एकदम गोल्डन क्वेश्चन है, सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी पूरी पूरी संभावना है कि एग्जाम में आने की। देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आंसर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए किस संवैधानिक, यह क्वेश्चन अच्छा है टॉप लेवल का। देखिए कह रहे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो आपको भी पता होगा साथियों, पहले जो बंदा 21 वर्ष का हो पाता था ना, उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन साथियों 1989 में क्या हुआ? 1989 में एक संशोधन हुआ साथियों, 61वां संविधान संशोधन, और इस संशोधन के तहत साथियों 21 वर्ष से उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि हाँ भाई, अब अगर आप 18 वर्ष के हैं तब भी वोट डाल सकते हैं। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर साथियों कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि वायुमंडल की वो कौन सी परत है, जो परत कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? तो मैं कहूंगा जो बाहामंडल वाली परत है साथियों, ये परत अगर बात करते हैं तो ये परत रेडियो संचरण में मदद करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, आपको भी पता है कि केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि कथकली तो केरल में किया जाता है। उसके बाद देखिए कौन से, यानी कि राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम हरिसेन था। कहीं कहीं पर हरिसेन भी लिखा हो सकता है, कहीं पर हरिसेन भी लिखा हो सकता है। तो हरिसेन जो थे, या समुद्रगुप्त के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे और मंत्री भी थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अकबर के 9 रत्नों में से कौन भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? टोडरमल की बात चल रही है, यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि अकबर के जो 9 रत्नों में से वो टोडरमल भी थे और ये भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल थे। उसके बाद देखिए किस शासक ने भारत के मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा था? तो क्या नाम था इनका? इनका नाम था नादिर शाह, और नादिर शाह ने ही मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरे को लूटा था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी समय बचा है, 1 दिन 2 दिन, तो साथियों मैं आपको 2 PDF दे रहा हूं। इन दोनों PDF को साथियों सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाइएगा। तकरीबन 65 से 70% पेपर आपका आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो साथियों आपको दी जाएगी एक PDF जनवरी से लेकर अगस्त 2024 तक की। इसमें 1 लाइनर प्रकार के क्वेश्चन होंगे, सुपर फास्ट तरीके से 3 से 4 घंटे में ये सभी प्रश्न आप कंप्लीट कर लेंगे, और
फिर उसके बाद साथियों जो भी 7 से 8 सवाल करंट अफेयर के पूछे जाएंगे वो इसी पीडीएफ में से होंगे लगभग। और अगर बात करें जैसा पेपर आ रहा है साथियों, जैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं 10। तो साथियों मेरा मानना है अगर इन 10 मॉडल पेपर को आप लगाकर एग्जाम हॉल में देखकर चले जाते हैं तो मैं कहूंगा एग्जाम आपका तो बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है SSC MTS पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर साथियों आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस QR कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इन दोनों पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। देखिए आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी, किसे दी गई थी साथियों? कृष्णदेव राय को दी गई थी। आंसर आपका अगर है सी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर अब चंद दिन भी चंद घंटे आपके बचे हों तो इस पीडीएफ को लेकर आप अपने लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्या ये वायलिन वादक है? नहीं। क्या ये बांसुरी बजाते हैं? नहीं साथियों, मैं कहूंगा ये तो सरोद वादक है, यानी कि ये तो सरोद से संबंधित हैं। इनका नाम क्या है साथियों? उस्ताद अली अकबर खान इनका नाम है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो अपना इनको अगर इस्तीफा देना होता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। क्या लोकसभा के अध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना होता है तो उपाध्यक्ष को देते हैं, और अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना होता है तो वो साथियों लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। हर दूसरे वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? यानी कि हर दूसरे वर्ष के बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए सांडी पक्षी अभ्यारण्य साथियों किस जिले में है आपसे पूछा जा रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के साथियों हरदोई में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि गुजरात सरकार ने गुजरात जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है, जो अगले कितने सालों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति है? तो मैं कहूंगा अगले पांच सालों के लिए नई जैव प्रौद्योगिकी है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने के मैकमोहन रेखा को, यानी कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है मुझे बताइए? तो ये तो साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये भारत और चीन के, ठीक है, रेडक्लिफ की अगर बात करते हैं तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। तो कुल मिला के आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोयाबीन की मुख्य फसल उगाई जाती है? तो मैं कहूंगा यूपी के बुंदेलखंड में उगाई जाती है सोयाबीन की फसल। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो गंगा नदी झारखंड से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, बिहार से होकर बहती है, लेकिन आंध्र प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ये किस नाम से प्रसिद्ध है मुझे बताइए? तो इनको साथियों फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको साथियों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद देखिए हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह मंगल ग्रह नहीं साथियों, कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह ही हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि एस्कार्बिक एसिड यानी कि एस्कार्बिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए किसका केमिकल नेम, किसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है, एस्कार्बिक एसिड है? मैं कहूंगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी बताइए? तो एक्सरे की खोज साथियों किसने की थी? इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, विलहम रॉन्टजन इनका नाम है, रॉन्टजन भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। तो एक्सरे की खोज किसने की साथियों? विलियम रॉन्टजन ने की, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो मीथेन अणु में साथियों 5 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 5 परमाणु होते हैं। उसके बाद देखिए जब एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार हरी लौ जलती है या सफेद लौ जलती है? मैं कहूंगा जब साथियों एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार सफेद लौ जलती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि अल्टीमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर से तो साथियों ऊंचाई को चेक किया जाता है। किसको ऊंचाई को चेक किया जाता है आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों देखिए, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कैसे साथियों फायदेमंद होगा? क्योंकि कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ साथियों, यूट्यूब पर सबसे बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, यानी कि जो मैं आपको साथियों पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इसमें से कई सारे क्वेश्चन आप अपने रियल शिफ्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो फैराडे का नाम आपको बता देना है कि भाई फैराडे साहब ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि लाइकन निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक हैं। तो लाइकन की अगर बात करें साथियों, वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक है, आंसर आपका भी हो जाता है। चलिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर को मापती है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर किसकी, अगर शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि शक्ति ही किए गए कार्य को मापती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है, अब पहिए को क्या रोकता है। तो अब पहिए को साथियों पैड और रिम के बीच का घर्षण रोकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे। देखिए साथियों और बता दीजिए कि आपका यहां पर राइट आंसर जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा फटाफट साथियों। देखिए सिलेक्शन की अगर बात करें ना, तो सिलेक्शन तो आपके लिए बहुत आसान मैं कर दूंगा, इतना आपके लिए आसान कर दूंगा कि आपको कोई टेंशन लेने की ही साथियों जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस रेगुलरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ते जाइएगा, और जब आपका एग्जाम हो जाए, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए, उस दिन टारगेट सिलेक्शन को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन आज की इस डेट में अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके मां और पिता का सपना है साथियों कि इस बार जो भी आपकी वैकेंसी है, ठीक है ना, उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाए हर हालत में। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए अनसब्सक्राइब मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने सिलेक्शन के लिए चैनल को साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बता दीजिए कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे। तो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात आई है तो बृजेश मिश्रा का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, यही पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। तो अगर बात करते हैं यहां पर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अवध के नवाब कौन थे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 में थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी। तो उस समय अवध के नवाब कौन थे साथियों, शुजाउद्दौला थे। कौन थे, शुजाउद्दौला थे। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि इस सवाल का आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब हो जाएगा राजा चोल। क्या, निम्नलिखित में से राजा चोल ने ही, राजा चोल ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे के फॉरेंट निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की मुद्रा है। तो फॉरेंट की अगर बात करें, ये तो हंगरी की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है साथियों फॉरेंट, ये हंगरी की मुद्रा है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। किन की, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए शॉर्न वॉर्न, क्या शेन वॉर्न द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम बताइए। तो साथियों नो स्पिन, क्या आत्मकथा है, नो स्पिन आत्मकथा है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए यहां पर अगर बात करें साथियों, कहा गया है कि अवनी लखेरा ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने क्या जेवलिन में स्वर्ण पदक जीता है, नहीं, ऊंची छलांग में नहीं साथ, ऊंची छलांग में भी नहीं, बल्कि शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है मुझे बताइए। तो बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है साथियों, चंद्रहुदड़ो है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कह रहे के वैदिक श्लोकों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं, तो संहिता कहलाते हैं, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस चित्रकार के चित्र पुराण महाभारत, क्या निम्नलिखित में से किस चित्रकार के चित्र
पुराण, महाभारत और रामायण के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों कि आपका राइट आंसर राजा रवि वर्मा के साथ जाएगा, क्योंकि राजा रवि वर्मा एक चित्रकार हैं और इनके चित्र पुराण, रामायण और महाभारत के आधार पर इर्द गिर्द घूमते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दूसरी सर्वाधिक है? देखिए पहली अगर पूछी जाती तो आप यूपी बताते, लेकिन दूसरे नंबर का पूछा गया तो महाराष्ट्र आपको बताना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर कहा जाता है, यानी कि अगर 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि आप सुन रहे हो तो उसको आप शोर कहोगे, या 100 डेसिबल या 120 या 140। तो मैं कहूंगा अगर 80 डेसिबल से थोड़ी सी भी ज्यादा अगर आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, तो उसको शोर कहा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो इनमें से कौन सी एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा व्यापार की अगर बात करें साथियों, व्यापार ही एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? तो क्या rediffmail.com ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? नहीं, gmail.com भी नहीं है, उसके अलावा msn.com भी नहीं है, बल्कि ट्विटर है। ट्विटर एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, twitter.com, तो इसलिए आंसर आपका डी के साथ जाएगा। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों कितनी होती है आपको मालूम होना चाहिए, तीन होती है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में किसके स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है? तो किसकी साथियों बात चल रही है? महाराजा सुहेल देव की बात चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों रखी गई है। उसके बाद देखिए किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? तो साथियों तापमंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि गोबी रेगिस्तान साथियों कहां पर है? तो मंगोलिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को चखाओ या ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग मिला है? तो किसकी बात चल रही है? मणिपुर की बात चल रही है, यानी कि मणिपुर राज्य को चखाओ यानी कि ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से, क्या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप आपको बतला देना है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? तो मैं कहूंगा साथियों क्या आपका राइट आंसर होगा, शनि ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो शनि ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं, यह हम लोग कह सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर क्या थी? तो 67.68% थी। अगला सवाल देखिए, भारत में कितने मार्गों के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया जाता है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में दो मार्गों के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और सवाल का जवाब देने की साथियों कोशिश कीजिए कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह तो साथियों 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यह आप सभी लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? तो मैं कहूंगा जो प्रणोद बल होता है ना, प्रणोद बल, यही बल साथियों वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम साथियों न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा साथियों? न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक विद्युत बल्ब में फिलामेंट लोहे का होता है, शीशे का बना होता है, तांबे का या टंगस्टन का बना होता है? तो मैं कहूंगा साथियों एक विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए कि मनुष्य में ध्वनि स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है, श्वास प्रणाल के द्वारा, अवटु के द्वारा या उपकंठ के द्वारा? तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो मनुष्य में ध्वनि स्वर यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की गति जो होती है वो कितनी होती है साथियों? 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ 8 साथियों घात है, इसलिए सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए एक समीकरण है साथियों, ई बराबर क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वह जहरीला पदार्थ जो तंबाकू का मुख्य घटक है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, तंबाकू में क्या होता है ये आपको बताना है, निकोटीन होता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि ये एक जहरीला पदार्थ है और ये तंबाकू का एक मुख्य घटक होता है निकोटीन। उसके बाद देखिए ओंकारेश्वर मंदिर ये किस नदी के किनारे पर है, ये किस नदी के किनारे पर है, ये आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब साथियों क्या होगा मुझे बताइए। चलिए तो ये सारे के सारे साथियों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट इस सवाल का भी आप लोग जवाब दे दीजिए और क्या होगा साथियों इस सवाल का जवाब, और फटाफट आप लोग मुझे यहां पर बता दीजिए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों यहां पर है नर्मदा नदी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ओंकारेश्वर मंदिर ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहां पर है बताइए साथियों। देखिए आपके एमटीएस एग्जाम के लिए, क्या आपके एमटीएस एग्जाम के लिए ऐसी भी क्लासेस हैं जिसमें साथियों क्या, जिसमें जीएस के पूरे 25 क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आ रहे हैं, उसी प्रकार इंग्लिश के भी साथियों जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 25 वैसे हैं, और उसी प्रकार रीजनिंग और मैथ, यानी कि ये चारों विषय आपको दिए जाएंगे एक क्लास में, और ऐसी कई सारी क्लासेस मैंने बना रखी है। तो आप अगर वाकई में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपना रोल नंबर फाइनल लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो उन सभी क्लासेस का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए, और इस क्लास का भी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा उन सभी वीडियोस को आप वन क्लिक में कैसे देख सकते हैं, यानी कि एक लिंक आपको दे दूंगा, जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और एक एक करके उन सभी वीडियोस को आप वॉच कर लेना अपने एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले पहले। देखिए भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है, तो मैं कहूंगा क्या कोलकाता में है, बिल्कुल साथियों कोलकाता में है। उसके बाद देखिए एक प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तो साथियों आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इटली की मुद्रा इनमें से क्या है मुझे बताइए, तो इटली की अगर बात करें साथियों इटली की मुद्रा तो यूरो है, क्या है इटली की मुद्रा, इटली की मुद्रा साथियों यूरो है। उसके बाद देखिए त्रिपुरा की राजधानी क्या है फटाफट बताइए, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, क्या है साथियों त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। विद्युत फ्लक्स की जब हम बात करते हैं, किसकी, विद्युत फ्लक्स की, तो ये किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, बिल्कुल क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बिल्कुल सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच के कोण पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स, बिल्कुल मैं कहूंगा, इसलिए आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, इनके विद्युत फ्लक्स इन तीनों पर निर्भर करता है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रहे आपको साथियों एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना किस शहर में हुई है, तो साथियों कहां पर हुई है आपको मालूम होना चाहिए, जामनगर में हुई है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक साथियों किसने लिखे हैं, तो ये सारे के सारे नाटक, ये तीनों नाटक किसके हैं, ये कालिदास के नाटक हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ है, इसका प्रमाण किसके द्वारा दिया जाता है, तो साथियों ध्रुवीकरण के द्वारा इसका प्रमाण दिया जाता है, राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित देवता का नाम क्या है, तो जिनका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में उनका नाम क्या है साथियों, उनका नाम इंद्र देवता है, क्या इंद्र देवता है। अब उसके बाद भी देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा, कि यहां पर कहा जा रहा है कि कौन देश के तीसरे यानी कि भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं साथियों, देवेंद्र झांझरिया बन गए हैं, ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो ये साथियों उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, किस पर साथियों, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए, तो मानव की सबसे
लंबी कोशिका की अगर बात करते हैं तो तंत्रिका की कोशिका यह मानव की सबसे लंबी कोशिका है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किराना घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अगर ख्याल की बात करते हैं तो साथियों बिल्कुल ख्याल गायकी से किराना घराना संबंधित है। सिंघारप क्या साथियों, सिंघी रामपुर मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में तो है ये सिंघी राम मंदिर, लेकिन उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में। कहां पर है साथियों, फरुखाबाद में है। उसके बाद देखिए ऋतु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थे, तो साथियों ऋतु खंडूरी भूषण बनी है। उसके बाद देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इनमें से किससे संबंधित है, बताइए। तो साथियों क्या रासायनिक सेल के विद्युत वाहक बल से संबंधित है, नहीं, एक जनित्र के विद्युत वाहक बल से संबंधित है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये वाला जवाब देना है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में कहा गया है, तो अनुच्छेद 29 जो है ना ये अल्पसंख्यकों के बारे में कहता है। किसके बारे में साथियों, अल्पसंख्यकों के बारे में कहता है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो मैं कहूंगा साथियों अगर बल और विस्थापन के बीच को कोण 180 डिग्री का हो तो कार्य साथियों ऋणात्मक होगा। उसके बाद देखिए नारियल का भूसा उत्तकों से बना है, तो अगर अगर बात करते हैं साथियों स्केलेरन काइमा उत्तक की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे नारियल का भूसा स्केलेरन काइमा उत्तकों से बना होता है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का अपवाद है। देखिए मौलिक अधिकार तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार एक मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यानी कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं, ये था अब नहीं है, तो मैं कहूंगा मौलिक अधिकार का अपवाद यही है। उसके बाद देखिए संसद के दो सत्रों के बीच समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, जिनका आंसर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि इनमें से किन दो किस दिन को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 मार्च की अगर बात करते हैं साथियों 14 मार्च को नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधरता ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो निम्न राशियों में से कौन सी गति के दौरान नियत रहती है, तो कौन सी नियत रहती है, मैं कहूंगा ऊर्जा नियत रहती है, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको साथियों गैर चमक दार क्षेत्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गैर चमकदार क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों मुझे बताइए, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आंसर आपका इसका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था एसएससी एमटीएस की, वो सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही है। ये कोई बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी सी साथियों रकम है, 45 रुपए में अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जाइए और उस पीडीएफ को साथियों ले लीजिए और एग्जाम से पहले पहले सरसरी निगाहों से उसको पढ़ लीजिए। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, जय हिंद साथियों। और उससे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, एग्जाम से पहले पहले उन सभी क्लासेस को देखकर साथियों चले जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, जय हिंद साथियों।